और अब तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें टेबल बनाओ, टी इक्वल टू जीरो पे मान लेते हैं इसके नॉट मोल्स, इसके जीरो ठीक है, यस सर। तो टी इक्वल टू इंफिनिटी पे या टी इक्वल टू टी वन पे भी लिखना है नॉट माइनस एक्स, टू एक्स, थ्री एक्स होंगे, और टी इक्वल टू इंफिनिटी पे लिखना है तो जीरो टू एन नॉट और थ्री एन नॉट होंगे, करेक्ट। यस सर। अब तुम्हें इंफिनिटी पे कितना वॉल्यूम लग रहा है रिएजेंट का, V3, V3। और इन्फिनिटी पे टोटल मोल्स कितने हैं, 5n0, हाँ 5n0 के लिए वॉल्यूम लग रहा है V3। तो यूनिटरी मेथड से n0 के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा रिएजेंट का, V3/5। V3/5, तो T इक्वल टू जीरो की रीडिंग होगी V3/5, समझे। अब यस सर, समझ में। क्वेश्चन में डाल दो 1/T ln V3 - V3/5 अपॉन V3 - V2, ठीक है। यस सर, समझ तो गया। 45th भी कर देंगे क्या, वो समझा नहीं। 45th में सारी वैल्यू से के निकालो, 10 की वैल्यू से के निकालो, 1/10 ln इन्फिनिटी पे प्रॉपर्टी है -11.1 और जीरो पे है 32.4 और 10 पे है 28.8। इसी तरह सारी के की वैल्यूज, सारे टाइम की वैल्यूज से के निकालो। इक्वल आ जाएगा तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ठीक प्रूफ कर दिया, ये सब इक्वल आ गई वैल्यूज, मतलब ऑर्डर है, ठीक है। सर। मतलब इसमें 0.n 0.5 नॉर्मल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कोई सिग्निफिकेंस ओके नहीं। सर। सो इसमें हम जीपी वाला लगा सकते हैं, राइट। क्या जीपी वाली प्रॉपर्टी आपने बताई थी, वो यूज कर सकते। है, जब तुम्हें केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हो, ठीक है। अब इसमें ये प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की केवल नहीं है ना, यस, बट आई डिड इट विद क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू टी, लाइक उसका रेशियो चेक किया मैंने। तो हाँ उस तरीके से रेशियो चेक कर सकती हो, करेक्ट। ओके सर, थैंक सर 43 जी। रिएक्शन दिया है 2A गैस गोज टू 4B गैस एंड C गैस, सब गैसेज है, ठीक है। रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया है। अब देखो, लास्ट क्लास में शायद तुम लोग इसके पे ही बहुत डिबेट कर रहे थे ना, एक कुछ के वाला तुम लोगों ने डाउट रेज किया था, करेक्ट, कि सर वो कोएफिशिएंट 2 है। अब देखो, मान लो एक ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, एक चीज इस प्रॉब्लम से सेपरेट सीख रहा है, और मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे बताओ, बोलो, टेल मी हाउ यू विल राइट द रेट लॉ ऑफ दिस। सर 1/2 dA/dt इज इक्वल टू के इनटू ए ए की पावर एक्स। करेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर है तो के इनटू ए, एंड दिस आल्सो विल बी इक्वल टू -1/2 dA/dt, करेक्ट, एंड दिस आल्सो विल बी इक्वल टू 1/3 dB/dt, सही है, करेक्ट। तो मैं -dA/dt को क्या लिख सकता हूं बताओ। टू के टाइम से जिसको मैं कह देता हूं के डैश ए, और dB/dt को क्या लिख सकता हूं, 3 के टाइम से
जिसको मैं कह देता हूँ के डबल डैश है, तो के के डैश के डबल डैश सब रेट कॉन्स्टेंट्स हैं, करेक्ट। के को हम क्या कहेंगे, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन। के डैश को क्या कहेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ए रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, समझ गए। तो अब इस प्रॉब्लम में देखो तुम्हें क्या दिया है, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब जो तुम्हें रेट कॉन्स्टेंट दिया है वो विथ रिस्पेक्ट टू ए है। तो अब तुम अलग से फिर से एक टू नहीं मल्टीप्लाई करोगे ये वाला टू लेके, ठीक है, समझ में आई ये बात। तो पहले तुमसे टाइम पूछा है जब टोटल प्रेशर 0.145 हो जाए, सीधे इक्वेशन लगा दो 1/k ln इन्फिनिटी, स्टार्टिंग का टोटल प्रेशर 0.1 है तो इन्फिनिटी पे प्रेशर कितना होगा, स्टार्टिंग में अगर 2 moles हैं तो इन्फिनिटी पे 5 moles होंगे गैस के, करेक्ट। यस सर। तो स्टार्टिंग में अगर प्रेशर 0.1 है तो इन्फिनिटी पे 0.25 होगा, और तुमसे टाइम पूछा है व्हेन टोटल प्रेशर विल बी 0.145, ये कैलकुलेट कर लोगे। और सेकंड 100 सेकंड्स के बाद टोटल प्रेशर पूछा है, तो के इनटू टी विल बी एलएन 0.25 माइनस 0.1 अपॉन 0.25 माइनस टोटल प्रेशर उस टाइम का, ठीक है, ठीक है सर। एक डाउट है सर, इस वाले में जो हमें दिया है वो विद रिस्पेक्ट टू ए है राइट, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना, क्यों करेंगे 2 यार, हमें के डैश दिया है ना ऑलरेडी, 2 मल्टीप्लाइड है उसमें सर। बट हम जो इक्वेशन लगाते हैं उसमें तो t इक्वल टू 1/k ln v इनफिनिटी वाला होता है, t इक्वल टू हम जो इक्वेशन लगाते हो क्या, ए के टी इज इक्वल टू एल एन प्रॉपर्टी एट इंफिनिटी माइनस 0 अपॉन प्रॉपर्टी एट इंफिनिटी माइनस टी ना। यस सर। तो हमें सीधे ए के की वैल्यू दी गई है ना। ओके सर, गॉट इट। हो गए डाउट्स क्लियर एफबीएस के, तो जस्ट एक चीज कंफर्म करना, ये चैप्टर पूरा आएगा एमटी में ही, लीस्ट स्पेसिफिक पार्ट जहां तक होगा वहां तक आएगा। ओके सर। चलो आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पैरेलल काइनेटिक्स। पैरेलल काइनेटिक्स कैसी सिचुएशन है, ऐसी एक रिएक्टेंट 2 सेपरेट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बना रहा है, करेक्ट, और रेट कॉन्स्टेंट्स मान लो K1 और K2। ओके, जनरली इस तरह की काइनेटिक्स हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में मिलती है, एंड ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो लेट्स डिराइव आर स्टैंडर्ड रिजल्ट अज्यूमिंग बोथ ब्रांचेस आर फर्स्ट ऑर्डर। तो कैसे लिखेंगे इसके रेट लॉज बताओ, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए मैं कैसे लिखूंगा, माइनस dA/dt। ए दोनों रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, तो पहले रिएक्शन में K1 ए की रेट से, दूसरे रिएक्शन में K2 ए की रेट से, तो ये एक्सप्रेशन हो गया माइनस dA/a is equal to K1 plus K2 times T, ठीक है, करेक्ट, ओके, इंटीग्रेट कर लो इसको, तो इंटीग्रेट करके दिस विल कम आउट टू बी
concentration of A is equal to A naught e raised to minus k1 plus k2 times t. ठीक है, dB by dt कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, बी केवल पहले रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो के वन ए दैट इज ए का अगर एक्सप्रेशन रख दें, ठीक है, इंटीग्रेट करके इससे हमें बी की कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगी, K1 upon K1 plus K2 times A naught. One minus E raised to minus K1 plus K2 times T. ठीक है? और similarly C की concentration अगर लिखनी है तो dC by dt is equal to k2a ठीक है, तो इंटीग्रेट करके c की मोलारिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई. ठीक है सर, यहाँ पर ए नॉट क्या है? इनिशियल मोलारिटी ऑफ ए. ओके सर, ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं अलग अलग कॉन्स्टेंट से. हाँ ओके सर. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस. सर इनमें कोई सिमिलैरिटीज है इन दोनों रिएक्शंस में जो डिस्कवर किए गए हैं? मतलब इन दोनों रिएक्शंस में मतलब ऐसे कोई वैल्यूज का सिमिलैरिटी है या नहीं, सिंस ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं? रिएक्टेंट है उन दोनों का. ओके सर. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस सिमिलरली सीक्वेंशियल काइनेटिक्स. सीक्वेंशियल काइनेटिक्स कैसी सिचुएशन है? ए गोइंग टू बी गोइंग टू सी एंड अगेन लेट्स से रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ब्रांच इज के वन, सेकेंड इज के टू एंड बोथ ब्रांचेस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कैसे रेट लॉ लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए. ठीक है, ए पहले ब्रांच में कंज्यूम हो रहा है, इंटीग्रेट करके ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा ए नॉट ई रेस टू माइनस के वन टी. बी के लिए लिखें तो व्हाट विल बी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी बताओ? के वन इनटू ए, के वन ए की रेट से प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरी ब्रांच में के टू बी से अभी से घट रहा है, तो नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन ये हो गया. इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है,
पूरी इक्वेशन में ई रेस टू के टू टी से मल्टीप्लाई कर देते तो ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ई रेस टू के टू टी डी बी प्लस के टू ई रेस टू के टू टी बी डी टी इज इक्वल टू के वन, ए की वैल्यू रख दे ई रेस टू के टू माइनस के वन टाइम्स टी डी टी, ठीक है, क्लियर। अब लेफ्ट साइड हैज बिकम अ परफेक्ट डिफरेंशियल, तो लेफ्ट साइड हो गया डी ऑफ बी रेस इंटू ई रेस टू के टू टी एस के वन ए नॉट ई रेस टू के टू माइनस के वन टाइम्स टी डी टी, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों ओर तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल बी ई रेस टू के टू टी एस के वन ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन e raise to k2 minus k1 t minus 1, तो इससे b की मोलारिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। ठीक है, नोट करो इतना। कर दिया नोट सर, वेट सर, सर 30 सेकंड्स सर। सर हमने ए का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया नहीं है, हाँ के वन एम एम, ओके थैंक यू सर, नोटेड। और सी इसी तरह निकाल लें, तो डी सी बाई डी टी कैसे लिखेंगे बताओ, के टू बी सो दैट विल बिकम के वन के टू ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन ई रेस टू माइनस के वन टी माइनस ई रेस टू माइनस के टू, तो इंटीग्रेट करके सी की मोलारिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा के वन के टू ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन वन माइनस ई रेस टू माइनस के वन टी बाय के वन माइनस वन माइनस ई रेस टू माइनस के टू टी अपॉन के टू, ठीक है, नोट कर लो। हो गया सर, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यस सर, डन सर, सर 30 सेकंड्स ऑलमोस्ट। करो यार करो भाई, डोंट गेट एक्साइटेड।
सर नोटेड Next, we can discuss opposing kinetics. Opposing kinetics कैसी situation है? मान लो एक reversible reaction. Forward reaction का rate constant है Kf, backward का Kb. Okay. Now, ऐसी situation में अगर आप प्रोसीड करें तो मान लो टी इक्वल टू जीरो पे ये नॉट ये बी नॉट, टी इक्वल टू टी पे नॉट माइनस एक्स बी नॉट प्लस एक्स, ठीक है. ओके, तो इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे हम लोग? अब what will be rate of consumption of a minus da by dt kya hoga? forward reaction mein consume ho raha hai kf a aur backward mein produce ho raha hai kb b, correct? yes. theek hai, to bas ab isko integrate karte hain. पहले ए और बी की वैल्यूज रख देते हैं एज ऑफ एट एनी टाइम टी. तो इक्वेशन बन गई डी एक्स अपॉन के एफ ए नॉट माइनस के बी बी नॉट माइनस के एफ प्लस के बी टाइम्स एक्स इज डी टी. और इंटीग्रेट करके क्या रिजल्ट आ गया? वन बाय के एफ प्लस के बी एल एन के एफ ए नॉट माइनस के बी बी नॉट के एफ ए नॉट माइनस के बी बी नॉट माइनस के एफ प्लस के बी टाइम एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है. सर बोलो. सर के बी में माइनस इसलिए क्योंकि बैकवर्ड है बराबर ना सर, इसलिए ना क्या वो बी टू ए फॉर्मेशन बैकवर्ड हो रहा है इसलिए वो माइनस के बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आया ना, उससे ए बन रहा है. हाँ ये नेगेटिव, हम ए का रेट ऑफ कंजम्पशन लिख रहे हैं ना. हाँ सर, क्योंकि माइनस साइन तो मतलब वो डायरेक्शन के कारण तो नहीं है सब कुछ. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमने अज्यूम किया ना? किया है. ओके सर, सो मतलब हर रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर होगा जरूरी नहीं है ना? नहीं है, अगर और कोई आ गया तो डिराइव करना पड़ेगा ऐसा रिलेशन. ओके okay. आंसर अगर kb kf से बड़ा होगा तो बस साइन का चेंज हो जाएगा ना? तो साइन तब भी नहीं चेंज होगा, तुम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए लिख रहे हो. अच्छा हाँ सर, गॉट इट. सर तो जितने उन्होंने पहले रिएक्शंस कंसीडर किए थे मतलब उसमें हम लोगों ने ये रिवर्स रिएक्शन क्यों नहीं कंसीडर किया था? तक हम लोग सिर्फ वन डायरेक्शन वाले रिएक्शन देख रहे हैं. अच्छा ठीक. कर लिया नोट? वन सेकंड. Okay.
चलो बुकलेट निकालो। बुकलेट कहाँ तक कर ली थी हम लोगों ने? 45 FBS तक हो गया था ना, लाइक बीच-बीच में छोड़े भी हैं कुछ आपने क्लास में। होमवर्क में करने हैं जो भी। हाँ सर आपने बोला तो होमवर्क में करना। हाँ सर वही। तो एक तो FBS स्टार्ट करो 46 to 50, और एडवांस लेवल में क्या क्या कर लिया है? एक भी नहीं किया सर। एक भी नहीं किया है? यस। 2, 4, 5, 10, 14 ये पांच करो।
हाँ भाई, होगा कंप्लीट तो दो मिनट सर। सर आप 47, 48, 49 डिस्कस कर सकते हैं। यस। 47 में क्या डाउट आ रहा है बताओ, क्यों नहीं हुआ 47? क्या पूछा उसमें? तुम्हें हाफ लाइफ दी है दोनों? यस सर। तो के आ जाएंगे दोनों तुम्हारे पास? यस सर। कितना आ गया? एक आ गया K1 ln 2/4 और एक आ गया ln 2/2। ठीक है सर, मुझे समझ नहीं आया। ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है? ln 2/k। ओके सर। देखो जो तुम्हें हाफ लाइफ दी है ना, ऑब्वियसली उसका मतलब ये है कि अगर आप इस रिएक्शन को सेपरेटली ट्रीट करें तो हाफ लाइफ इज 4 मिनट्स। ठीक है, और इस रिएक्शन को सेपरेटली ट्रीट करें तो हाफ लाइफ इज 2 मिनट्स। ओके, तो इससे इस रिएक्शन का के क्या आ गया? ln 2/4 और इसका के आ गया ln 2/2। ये बात इतनी समझ में आई? यस सर। यस सर। सीक्वेंशियल में वो पूछ रहे हैं वो टाइम निकालो जब बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो। बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम मतलब dB/dt हैज टू बी 0। यस। और dB/dt का हम लोगों ने क्या एक्सप्रेशन लिखा था? K1A - K2B, करेक्ट। तो हमें वो टाइम निकालना है व्हेन K1A = K2B। ए और बी की मोलारिटीज हैं हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये डिराइव की थी। ठीक है, ये क्लियर है? Yes। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा ln K2/K1/K2-K1। तो इस टाइम पे बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। ओके, अब K2 K1 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, करेक्ट, आ जाएगा आंसर। अब बोलो, आपको कोई डाउट बचा इसमें? 48 and 49। सर बट हमें कैसे समझ में आया कि वो जो इनिशियल सेपरेट रिएक्शंस के लिए टी हाफ दिया हुआ है? सर के लिए तो हाफ लाइफ डिफाइन ही नहीं कर पाओगे तुम। ओके सर, समझ गए। 48 में बहुत सारे पैरेलल रिएक्शंस हैं, तो भाई तुम रेट लॉ कैसे लिखोगे? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसमें नेट रेट कांस्टेंट इसमें ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, उसको मैं के नेट लिख सकता हूं, करेक्ट।
नेट रेट कांस्टेंट इस तरह के पैरेलल रिएक्शंस में क्या हो गया, ठीक है? Yes, sir. और dB by dt को कैसे लिखोगे? dC by dt को कैसे लिखोगे? अच्छा, दूसरा पार्ट भी प्रूफ। तो B to C का रेशियो क्या होगा, ठीक है? क्लियर? फोर्टी नाइन में यही पूछा है कि क्या सीक्वेंशियल रिएक्शन के लिए हम ऐसे ही नेट रेट कांस्टेंट लिख सकते हैं? तो सीक्वेंशियल रिएक्शन के लिए नहीं लिख सकते हैं, करेक्ट? यस सर। क्यों नहीं लिख सकते? यार उसमें ऐसे कॉमन थोड़े ना आएगा। तो सीधे ये फॉर्मूला रख देना ऑपोजिंग काइनेटिक्स वाला। भाई 50th में तुम्हें सारी वैल्यूज दी है, K2 कैसे फाइंड करेंगे? सर बट एक बी का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट अपॉन ए का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट उसका मतलब मैंने Kf दिया है 10^-2 सर, ए नॉट दिया है 0.01, बी नॉट दिया है 0, Kb दिया है 10^-2 / 4। Yes. हो गया, सब इसमें रख दो। टी दिया है 30। ओके सर। वो जो दिया है इक्विलिब्रियम उससे के मिल गया ना, कैपिटल के इज 4 और कैपिटल के क्या होता है, केएफ अपॉन केबी। यस सर, यस सर। आंसर हमको आंसर एक्स निकालना है ना, बिकॉज बी नॉट 0। हाँ, एक्स निकालना है हमें। ओके सर। ओके, एडवांस लेवल का 4। एडवांस लेवल से आगे अटेंड नहीं हो पाए थोड़ा टाइम। चलो एक फोर्थ कर देते हैं, बाकी फिर तुम लोग कंप्लीट करना होमवर्क में। फोर्थ में क्या डिस्कस फेस? सर कैन यू आल्सो डिस्कस फेस सर प्लीज? ओके, फोर्थ प्रॉब्लम में 1 आवर में ए 75% रिएक्ट हो रहा है, 2 आवर के बाद कितना बचेगा? पार्ट ए में दिया है फर्स्ट ऑर्डर इन ए, 0 ऑर्डर इन बी, तो रेट लॉ ऐसा होगा, करेक्ट? तो ए की कंसंट्रेशन तो ए नॉट e^-kT होगी, 1 आवर में 75% डिसोसिएटेड, तो बचा है ए नॉट बाय 4, तो इससे के आ गया ln 4। फिर 2 आवर में पूछा है, तो 2 आवर के बाद ये कितना बचा है, नॉट बाय 16, ठीक है? ओके सर, गॉट इट। फिर क्या पूछा, फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ, तो सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन लगा दो, 1/a0 - 1/a0/4 is k into 1, सॉरी a0/4, और इधर हाँ, तो k कितना आ गया, 3/a0, और फिर 2 आवर के लिए, तो a आ गया कितना आ गया, 6/a0/7, ठीक है? c पार्ट में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन में अगर 1 घंटे में 75% रिएक्ट हो गया, तो 2 घंटे से पहले ही पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा, तो रिमेनिंग ए विल बी 0। ओके, यस सर, आपने एपी से बोला ना वो? हाँ, ओके सर, थैंक यू। ये चाहो तो एपी जीपी एचपी वाले से कर सकते थे, बस ऐसे कर लेते,
एक घंटे में ए नॉट से ए नॉट बाय फोर हुआ है, तो अगले एक और घंटे में एक जीपी में लगा के फर्स्ट ऑर्डर है ए नॉट बाय 16 जीपी से, करेक्ट? यस। पार्ट बी एक घंटे में ए से ए नॉट बाय फोर हुआ है, अब इसमें क्या लगाओगे एचपी, तो ए नॉट बाय वन से ए नॉट बाय फोर ये थ्री का गैप है, तो अगले एक घंटे में और थ्री बढ़ा लो, फोर प्लस थ्री सेवन। डिनोमिनेटर को एपी में चलना है ना? हाँ सर। तो सर इसमें इंडिविजुअल ऑर्डर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, सिर्फ ऐड करके हमें ओवरऑल लिखना। इंडिविजुअल ऑर्डर का इसलिए सिग्निफिकेंस नहीं पड़ रहा है पार्ट बी में, क्योंकि स्टार्टिंग में ए और बी का अमाउंट जीरो है, सॉरी ए स्टार्टिंग में ए और बी का अमाउंट इक्वल है, याद है ना, जब इक्वल अमाउंट होता है तो उसको यू कैन ट्रीट एज ए गोइंग टू रिएक्शन, ए गोइंग टू प्रोडक्ट ओनली टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके सर, यस सर। फिफ्थ में क्या दिया है, हम लोग बैक्टीरिया का इनएक्टिवेशन कर रहे हैं ऐसे, इसका रेट कांस्टेंट दिया है कुछ आपको 1.7 फर्स्ट ऑर्डर है, और बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई भी करता जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, तो नेट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा, पहले रिएक्शन में कंज्यूम हुआ, दूसरे में भी कंज्यूम हुआ, और फिर से दूसरे में प्रोड्यूस हुआ, करेक्ट? ये इक्वेशन समझ में आई ढंग से सबको? यस सर। तो बस अब बी को इंटीग्रेट करोगे, आ जाएगा बी नॉट ई रेस टू के वन माइनस के वन माइनस के टू टाइम्स टी। के वन के टू तुम्हें मालूम है, बी नॉट मालूम है, टी मालूम है, वैल्यू रख देना, ठीक है? क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। सर टेंथ में हमको सिर्फ ये बोलना है ना कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। देखो एम क्या है, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड फिल्म, और ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट, करेक्ट? तो बेसिकली रेट को मैं हमेशा डी ऑफ प्रोडक्ट बाय डीटी बोल सकता हूं ना, तो इस सिचुएशन में रेट को मैं डीएम बाय डीटी बोल सकता हूं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, तो डीएम बाय डीटी क्या है, ए बाय टू एम रेस टू माइनस वन, करेक्ट? तो ऑर्डर माइनस वन हो गया, ओके? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को थिकनेस लिया है ना, जैसे आपने लास्ट क्लास कर रहा था। थिकनेस ऑफ ऑक्साइड फिल्म भी मोल्स के ही प्रोपोर्शनल होगी ना? हाँ यस सर। सर तो मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना एम ज्यादा होगा, राइट? हाँ, जितना प्रोडक्ट बनता जाएगा। अरे ये रस्टिंग ऑफ आयरन का बिल्कुल सही एग्जांपल है। अब ये आयरन है मान लो, ठीक है, ये बाहर ऑक्सीजन है, आयरन पे रस्ट लगेगा? यस। अब मान लो रस्ट जितना ये थिक होता जाएगा, रस्ट इसके ऊपर उतना नीचे वाले और आयरन और ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूटता जाएगा, करेक्ट? यस सर। और उतना रस्टिंग प्रोसेस स्लो होता जाएगा, मतलब जितना ज्यादा रस्ट बन गया वो इस रिएक्शन को स्लो करता जाएगा, करेक्ट? नेगेटिव ऑर्डर का यही मतलब है ना, कि अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, ओके? यस सर, गॉट इट। हमने डी ऑफ क्या लिखा है सर, डी अपॉन डीटी, डी प्रोडक्ट बाय डीटी। ओके सर, ओके। रेट को हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का डिफरेंशियल बोल सकते हैं ना,
Yes, sir. Also, can you show the slide related question for you? सर उन्होंने FPS के 49 के बी पार्ट के लिए बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू ए नॉट. सर मेरे को वो वाला समझा नहीं यार. ए नॉट के आगे भी लिखा है, वो ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है. ओके सॉरी सर, मैं ठीक से देखा. कर लिया नोट? हाँ यस. चलो टेम्परेचर डिपेंडेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके और सर आप वो वाला पेज दिखा दो जिसमें आपने वो सम के नंबर लिखे थे मेरे को बस. यस सर डन सर. टेम्परेचर डिपेंडेंस वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. ओके sir, can you also send yesterday's recording, sir? I will send in evening. Okay, sir. Thank you, sir. Hello, bye, everybody. Sir, आप वो आए नहीं? Practice. Do we have to do anything from FBO? FBO में कर लो 76 तक कर लो. Okay. Yes, sir. Okay, sir. सर आप वो आए नहीं के solution ही भेज सकते क्या? Assign. सब कुछ भेजेंगे. I will send everything. Hello, bye everybody. Mm-hmm.